और अनु आज ही अपने नए घर में रहने को आए थे, पर अनु इस घर में शुरू से नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उनका ये नया घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे था और उनके उस घर के आसपास और कोई घर भी नहीं था। इसलिए अनु बार बार संदीप को यह घर लेने से मना कर रही थी, पर संदीप का कहना ये था कि इस पूरे शहर में इससे सस्ता घर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए संदीप अनु के बार बार मना करने के बाद भी इस घर को ले लेता है। आज का पूरा दिन संदीप और अनु को घर शिफ्ट करने और घर की सफाई करने में ही चला जाता है। साफ सफाई करने के कारण आज दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए आज दोनों जल्दी ही खाना पीना खाकर सोने को चले गए। आज बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों को नींद भी जल्दी आ जाती है, पर अभी दोनों को सोते हुए लगभग 2 घंटा ही हुए होंगे कि तभी अनु की एक आवाज से नींद खुल जाती है। वो आवाज किसी के रोने की आवाज थी और उसी आवाज के कारण अनु की आंख खुली तो अनु ने तुरंत उठकर संदीप की तरफ देखा, पर संदीप तो सो रहा था, पर अनु को अभी भी किसी के रोने की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज से परेशान होकर अनु अपने बिस्तर पर बैठकर बस यही सोच रही थी कि इस घर में उनके सिवा और कोई तो नहीं रहता है और उनके घर के आसपास भी कोई घर नहीं है, तो ये किसके रोने की आवाज आ रही है, पर कोई भी रो रहा हो मुझे क्या। इतना बोलकर अनु फिर से अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, पर अनु ने ये सोचकर जैसे ही सोना चाहा उसके बाद से ही वो रोने की आवाज अचानक से और तेज हो गई, जिसके कारण अनु को सोना तो दूर की बात, अब तो वो सही से लेट भी नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद इन्हीं सब से परेशान अनु फिर से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके बाद अनु ने फिर से संदीप की तरफ देखा, पर वो अभी भी सो रहा था। जैसे वो आवाज़ बस अनु को ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि अनु को वो रोने की आवाज़ इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि उससे सही से लेटा भी नहीं जा रहा था। अब अनु इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए ये देखने के लिए वो अपने बेड से उतरकर अपने कमरे की खिड़की तक गई और बाहर देखने की कोशिश करने लगी कि कौन है जो इतनी देर से रो रहा है। इतना बोलकर जैसे ही बाहर अपने घर के गेट के पास देखा तो उसने देखा कि उसके घर के मेन गेट के पास लगभग 25 से 30 साल की लड़की बैठी थी और शायद वही थी जो इतनी देर से रो रही थी। पहले तो अनु को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर बाद में उसने सोचा क्या पता इस लड़की को मदद की ज़रूरत हो, इसलिए तो इतनी रात को इतनी देर से बाहर अकेले बैठी रो रही है। फिर उसके बाद अनु जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए बाहर जाने को मुड़ी तो उसने देखा संदीप अभी भी सो रहे थे, तो अनु ने भी संदीप को उठाना सही नहीं समझा और अकेले ही बाहर जाने लगी। उसके बाद अनु जैसे ही अपने घर का मेन डोर खोलकर बाहर गई तो उसने देखा वो लड़की अभी भी गेट के पास बैठी अपना मुंह नीचे को करे रो रही थी। उसके बाद अनु तुरंत इस लड़की के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ठीक तो हैं ना। अनु के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और अनु की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अनु ने उस लड़की की बात सुनी और कहा, कौन हैं आप और बताओ मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। अनु के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी। फिर अनु ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या मदद चाहिए आपको। अनु के इतना बोलने के बाद वो लड़की अपनी जगह से उठी और अनु का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, तो चलिए मेरे साथ। इतना बोलने के बाद वो लड़की अनु को अपने साथ ले जाने लगी, पर पता नहीं अनु को भी उस समय क्या हो गया था कि वो भी बिना कुछ बोले उस लड़की के साथ जाने लगी।
वो लड़की चलते चलते उसे कब्रिस्तान के गेट तक ले गई। तभी अन्नू ने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, ये मुझे तुम कहाँ ले जा रही हो? उसके बाद उस लड़की ने कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझ पे विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद अन्नू को ना जाने क्या हुआ कि वो उस लड़की के साथ उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। वो लड़की थोड़ा ही आगे जाकर एक जगह पर रुक गई और अपने हाथ से इशारा करते हुए बोली, वो देखो, वो मेरी कब्र है, मेरी कल ही मौत हुई थी और मुझे आज ही यहाँ पर लाया गया। कुछ लालची लोगों ने मेरी सोने की अंगूठी के लिए मेरी कब्र को खोद दिया, पर उन्होंने उसे सही से बंद नहीं किया। प्लीज़ आप मेरी मदद कर, प्लीज़ आप मेरी कब्र पर मिट्टी डाल दो। अन्नू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई सपना, क्योंकि उसने एक मरी हुई लड़की अपनी कब्र पर मिट्टी डालने को कह रही थी। पर फिर भी अन्नू ने थोड़ी हिम्मत करी और उस लड़की की कब्र पर मिट्टी डालकर जैसे ही खड़ी हुई, उसने देखा कि अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। अन्नू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने देखा क्या वो सच था या फिर उसका ये सपना। उसके बाद अन्नू तुरंत पीछे मुड़ी और सीधा भागते हुए अपने घर पर ही जाकर रुकी। ये सारी बातें उन्होंने अपने पति संदीप को बताई। उसके बाद उस घर में कभी भी रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।